वालेकुम नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम मछली का डिश बनाएंगे आपका सामने में। ये हम पहले भी बनाए हैं, पर ये हम कुछ नया तरीका से बनाएंगे मछली का डिश। तो ये देखिए, ये बटा मछली है, ये दो पीस मिला है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये साइज का, ये बहुत बड़ा साइज है बटा का। तो हम सोचे हैं हम बटा मछली का डिश शेयर करें। तो चलिए, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे बनेगा, हम आपको दिखाते हैं। तो ये बटा मछली को हम बढ़िया से साफ करके वॉश कर लिए हैं। और देखिए, यहाँ पे एक कट लगा दिए हैं, और इसमें देखिए मछली का अंडा है, इसको हम नहीं निकाले हैं, इसी में रहने देंगे। अब उसका हिसाब से जो मसाला लिए हैं, ये देखिए 10 से 12 हम लिए हैं काजू बादाम, एक चम्मच लिए हैं पोस्तो दाना, एक चम्मच लिए हैं काला सरसों, आपका पास अगर पीला सरसों होगा तो वो ले सकते हैं। लहसुन हमने 15 से 20 कलियां लिए हैं, हरा मिर्चा हमने लिए हैं 8 से 9 पीस, एक प्याज हमने इस तरीका से छिल के काट लगा लिए हैं, हल्दी पाउडर लिए हैं 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर लिए हैं 1 टीस्पून, लाल मिर्च लिए हैं 1 टीस्पून, आप अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा। तो ये सारा सामान हम इसमें ग्राइंडर में देंगे, इसको हम पीस लेंगे। ये सारा सामान हमने ले लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम खट्टा दही लिए हैं 1.5 चम्मच, ये खट्टा दही हम इसी में ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच हम पानी लिए हैं, ये पानी हम इसी में ऐड कर देंगे। आप अपना मसाला का क्वांटिटी का हिसाब से पानी दीजिएगा, स्वाद का अनुसार हर चीज़ दीजिएगा। अब इसको हम ग्राइंडर करेंगे, उसका पहले हम मछली को दिखा देते हैं। ये देखिए, मछली हम इसमें मिक्स नहीं कर पाएंगे। मछली में एक बॉल ले लिए हैं, और ये बॉल में हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे हाथों का जरिए। पूरा मछली हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मछली हम बढ़िया से अंदर बाहर, ये गाल का अंदर में थोड़ा सा लगा देंगे नमक और हल्दी, इस तरीका से जो हाथ में लगा हुआ है वही हम इसका अंदर में हमने बढ़िया से साफ कर लिया था, फिर इसको हम हल्दी नमक लगा दिए। तो ये देखिए, मछली को हम बढ़िया से एकदम हल्दी नमक लगा लिए हैं। अब हम मसाला पीस के आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, मसाला हम पीस चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में। इस तरीके से होगा। अब जो इसमें बचा कुचा है, थोड़ा सा हम पानी देंगे। तो ये देखिए, जो बचा कुचा था इसमें हम पानी दे के इसको हम धो लिए हैं, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इस तरीका से मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे इस तरीका से। तो देखिए, ये हो गया मसाला हमारा, रेडी हो गया मछली के लिए। अब चलिए कढ़ाई का तरफ। तो ये देखिए, कढ़ाई में हमने पहले से तेल दे दिया था, चूल्हा हमारा ऑन है, तेल गर्म हो चुका है। चारों तरफ से इस तरीका से गोल गोल तेल को घुमा लेंगे। अब क्या करेंगे, एक मछली हम उसी में इस तरीके से ऐड कर देंगे। जब तक ये मछली हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे तेल दे देंगे, ताकि मछली बड़ा है, हम इसी में बना लेंगे। आप अगर नहीं बना पाइएगा तो आपका हिसाब से जो अवेलेबल हो सामान उसी से आप बनाइएगा। तो ये मछली हम 1 मिनट के लिए इसी तरीका से छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है, तेल हम इस तरीका से थोड़ा इसको टेढ़ा कर लेंगे हाथ को बचाते हुए, फिर दूसरा साइड हम इस तरीका से थोड़ा तेल को छत्ती से पकड़ते हुए एकदम साइड से
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलटी कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से पलटी हो गया है। फिर दूसरा साइड भी हम इसी तरीका से हाफ मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हाफ मिनट हो गया है। फिर हम इसको उसी तरीका से जैसे किए थे दूसरा साइड, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे। फिर दूसरा मछली भी हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए दूसरा भी रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, आंच हम धीमी कर दिए हैं। ये काला जीरा हमने एक टीस्पून काला जीरा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो दही वाला मसाला है इसी में ऐड कर देंगे। तो देखिए मसाला धोने में 3 चम्मच हमने पानी लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। हमने 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून दे दिए, ये 1/2 टीस्पून। अब इसको क्या करेंगे, हम बढ़िया से चला लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए ये हम मसाला इसमें पूरा ऐड कर दिए, इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। अब फ्लेम हम हाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मछली है ये मछली हम इसी में ऐसे ही ऐड कर देंगे इसी तरीके से। अब इसको हम इसी तरीका से उबाल आने तक छोड़ेंगे। तो ये देखिए ये उबाल आ चुका है चारों तरफ से। अब इसको हम थोड़ा नीचे से इस तरीका से इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे में हमारा मसाला पकड़ नहीं ले। आहा, इसमें जो एक खुशबू आ रहा है, जो मसाला हमने ऐड किए हैं और दही, उसका बाद जो काला जीरा दिए हैं, इसका जो खुशबू एगो आ रहा है, क्या बताएं आपको, ना जवाब। हमारा तो खुशबू ही सुन के मुंह में पानी आ जा रहा है, दिस खा के क्या होगा। तो इसी तरीका से हम 1 मिनट के लिए और हम इसको पकाएंगे। तो देखिए इसी तरीका से हम हिलाते डुलाते बनाएंगे। फ्लेम अब हम मीडियम कर रही हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम में ही बनाएंगे 1 मिनट के लिए। तो देखिए बटा हमारा हो गया है दही पोस्त। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम आपको उतार के दिखाते हैं। बाटा का एकदम दही पोस्त बन के रेडी है। ये देखिए चाहे तो मसाला इस तरीका से भी दे के रख सकते हैं। तो आज का हमारा ये बाटा का डिश कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। कोई भी चीज का अगर तकलीफ होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो ये देखिए बाटा जो है एकदम मस्त बनके रेडी हो गया है। चावल का साथ में आप खाइए, ठंडा का मौसम में खाइए, गर्मी का मौसम में खाइए, कभी भी आप इसको खा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और घंटा बढ़ाइए प्लीज। आप लोग देख के आगे बढ़ाइएगा हमारा चैनल को, तभी मेरा मन करेगा जो और हम आपका सामने में ज़्यादा से ज़्यादा डिश लाएं। क्योंकि आप लोग अगर देखने में मेहनत कर रही हैं तो हम बनाने में मेहनत करेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। मेरा तरफ से आप लोग को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।